कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। कदाचित सुखदेव जी महाराज समर्थ भी थे कि वे राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल देते, किंतु परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज तो प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं, वरिया नेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजा, तूने तो लोक हित की बात पूछी है और वास्तव में अब लोगों के पास समय कहां रहा। सत्युग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, त्रेता में 1 शून्य कम हो गया, हो गए 10,000। द्वापर में 1 शून्य और कम हो गया, हो गए 1,000। और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया, हो गए 100। और अब महायुग आने वाला है तो 1 शून्य और कम हो जाएगा। और सही बात है, अभी देखो छोटे से बच्चे को कहते डायबिटीज हो गई। तो ये कलयुग है और उसमें भी 100 वर्ष जीने की गारंटी भी नहीं है। प्रश्न यह नहीं है इतने जीवन में हमें कितनी टेंशन होती है, कभी कुटुंब के भरण पोषण की टेंशन, तो कभी पड़ोसी की टेंशन, कभी समाज की टेंशन, कभी परिवार की टेंशन, और कभी ये टेंशन की कोई टेंशन क्यों नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भाई टेंशन कब जाएगी, जब तुम भगवान में इंटेंशन रखोगे ना। जब भगवान में इंटेंशन रखोगे, भगवान में कनेक्शन रखोगे, और ये भगवान में इंटेंशन कैसे जागृत होगा, जब तुम ऐसे आध्यात्मिक शिविरों में एडमिशन लोगे। कोई फी नहीं है, कोई फीस नहीं है, केवल फीस है आपका भाव, वही लेकर के आए तो आपका कल्याण हो जाएगा। दुनिया के सारे कार्य करो लेकिन कनेक्शन गोविंद के साथ रखो। कहा है गोस्वामी जी ने, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा है। एक शमशान के बाहर लिखा था, एक शमशान के बाहर एक साइन बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी लेकिन उम्र बीत गई तुझे यहां आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी लेकिन उम्र बीत गई तुझे यहां आते आते। और जिन में खोया था ये मेरा ये मेरा, जिनको अपना सब कुछ समझता था उन्हीं ने जला दिया तुझे जाते जाते। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब मिलेगा समय प्रभु की भक्ति करने का, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए जो समय मिला है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नए कनेक्शन जन्म के दे देता है कौन, और पड़ी रहे डायरेक्टरी कट जाता है फोन। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कब राधे राधे हो जाए दुनिया से कुछ नहीं मालूम। इसीलिए कहते हैं कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना मन परमात्मा में लगाओ, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा है, बस यही तो नहीं होता, आप कह दीजिए पैसा चढ़ाइए चढ़ा देंगे, आप कहते हैं मिठाई चढ़ाओ चढ़ा देंगे भगवान को, अब आप कहते हैं अपना मन चढ़ाओ तो वो नहीं होगा। इस मन को हम काबू में कैसे करें? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। आसन को जीतो, और वो आसन जीतने का सबसे अच्छा साधन है सत्संग। आओ सत्संग में बैठो, 3 घंटा शांति से बैठो, लेकिन ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 माताएं एक स्थान पे चुपचाप बैठी थी। शांति से बैठ करके सत्संग में 3 घंटे अपने आसन को जीत लो, ये हो गई आसन की सिद्धि। भगवान का ध्यान करते रहो, जब आ ही गए हो तो प्रभु का ध्यान करो। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतो, सूर्योदय के समय उठो, प्राणायाम करो। लेकिन सूर्योदय के समय अब हम उठते कहाँ हैं? और सुबह उठकर करते क्या है? हमारे महर्षि सिखा करके गए हैं। ये बात इसलिए कर रही हूं कि ये वेद रत्न सेवा प्रकल्प के तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है। हम सुबह उठ के करते क्या है? हमारे महर्षि सिखा के गए हैं कि बोला करो, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठेंगे और क्या करेंगे? प्रभाते कप दर्शनम, कि पड़े पड़े ही पलंग पर करें चाय का ध्यान, और हवन करें सिगरेट से कैसे हो कल्याण। तो प्राणायाम करो, श्वास को जीतो, उस प्रभु की आराधना करो, जित संगो अच्छा सत्संग करो। सो काम छोड़ करके सत्संग में जाओ, सत्संग से बड़े लाभ होते हैं और सत्संग से बड़ी हानि भी होती है। क्योंकि कहा है कि बस कुसंग चाहत कुशल कर रही मैं अफसोस, बस कुसंग चाहत कुशल और यह रही मैं अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। तो सत्संग से लाभ भी है और कुसंग से हानि है। तो कलयुग में सत्संग से जन्म सफल हो जाए, पुण्य भी बढ़ता जाएगा और पाप भी घटता जाए। संग जीतो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों को जीतो, आंख जो मांगे उसे मत दो, जीभ जो मांगे उसे मत दो, क्योंकि इन्हें नौकर बनाकर रखने में ही आनंद है। इनके मालिक बनकर रहो, इन्हें आदेश करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इनके नौकर बन जाते हैं, ये हम पर हावी हो जाती हैं, हो गए। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ही संयम के कोड़े
कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं, अच्छा बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आपको याद है कल मैंने कथा में कहा था वहां नैमिषारण्य तीर्थ पर कथा चल रही है, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और उन 6 प्रश्नों को आप याद जरूर रखना, क्योंकि उन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत चलती है। यहाँ राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछ रहे हैं, बताओ परीक्षित भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तो परीक्षित कह रहे हैं, जो साधना करता है तपस्या करता है, जो 3 टाइम स्नान करता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, वो आदिवासी कौन सा स्नान करते थे जिन्हें राम मिल गए? अरे वो तो इतना भी कहते थे, देखो यही हमार बड़ी सेवकाई, लेहिना बासन बसन चुराई, इतना ही खैर मनाओ कि हम तुम्हारी चोरी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बासन बर्तन नहीं चुरा रहे, बस यही हमारी सेवा है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आयु देखते होंगे भगवान? अरे भगवान आयु भी नहीं देखते। ध्रुव की क्या आयु थी, प्रहलाद की क्या आयु थी? भगवान तो केवल भाव देखते हैं, ना भगवान जाति पाति देखते हैं, क्योंकि विदुर की क्या जाति थी? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे ही विदुर का नाम आया परीक्षित चुप पड़े और कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज से, मुझे विदुर काका के बारे में बताइए ना। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित को कि धृतराष्ट्र की बाहर की दृष्टि तो भगवान ने ले ली और भीतर की दृष्टि शकुनी ने खराब कर दी। एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। घर में ज्यादा दीवालें बनाओगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए यदि साले साहब से सलाह लोगे तो राधे राधे, देख लो शकुनी की सलाह लेने से क्या हुआ। और फिर शकुनी मामा क्या, हिंदुस्तान में तो मामाओं का इतिहास है, शकुनी मामा, शक्तासुर मामा, कंस मामा, मारीच मामा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो धृतराष्ट्र की दृष्टि तो खराब कर दी शकुनी ने भीतर की। यहां विदुर समझा रहे हैं कि देखो ये उचित नहीं है, दुर्योधन पांडव सक्षम है लेकिन वे धर्म की राह पर चल रहे हैं, इसलिए तुम समझ जाओ। धृतराष्ट्र को विदुर समझा रहे हैं कि देखो अन्याय की बेल पर अमृत का फल कभी नहीं उगता, इतने में दुर्योधन का आगमन होता है। दुर्योधन का आगमन होता है, हे हमारी कृपा से आपको महामंत्री का पद प्राप्त हुआ है, आप मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हैं। बहुत अपमान किया विदुर का दुर्योधन ने और बाहर निकाल दिया
कतली वन में एक पर्ण कुटी बनाकर के विदुर और विदुरानी रह रहे हैं। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हैं। हालांकि युद्ध तो भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि कहा है कि हाथ जोड़ने से रावण यदि सीता को लौटा देता, हाथ जोड़ने से रावण यदि सीता को लौटा देता तो लंका दहन ना होता, ना ही रावण मारा जाता। और हाथ जोड़ने से दुर्योधन पांच गांव ही दे देता तो कुरुक्षेत्र के महासमर में इतना ध्वंस नहीं होता। दुर्योधन नहीं समझ पाया, कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हैं, समझाने की कोशिश की, लेकिन कहां माना। कह रहा है बगैर युद्ध के एक इंच भी जमीन ना दूंगा। कृष्ण समझा रहे हैं, देखो दुर्योधन, युद्ध की विभीषिका को तुम नहीं जानते, तुमने युद्ध दादा दादियों की कहानी में सुना होगा। बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 भोग तैयार कराए और कहा चलो आप भोजन ग्रहण करो, तो भगवान कह रहे हैं देखो कोई भी व्यक्ति दो कारणों से भोजन करता है, या तो अभाव में या प्रभाव में। जिसे बहुत भूख लगेगी, जिसके पास में भोजन नहीं है, भोजन का अभाव है, समय का अभाव है, तो वो भोजन कोई आग्रह करेगा तो कर लेगा। या कोई किसी के प्रभाव में भोजन करता है, वही देखो बुलाया है, भोजन नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, थोड़ा मुंह तो झूठा करनी पड़ेगा भले भूख नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं देख दुर्योधन, ना तो मेरे पास अभाव है क्योंकि साक्षात लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है, ना तो मेरे पास अभाव है, ना ही तेने ऐसा कोई काम किया है कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव छोड़ा हो। और सुन दुर्योधन, ना तो मैं अभाव में खाता हूं और ना प्रभाव में खाता हूं, मैं तो अपने भक्तों के भाव में खाता हूं जिसका तेरे पास। ना तो मैं अभाव में खाता हूं ना तो मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं तो अपने भक्तों के भाव में खाता हूं दुर्योधन जिसका तेरे पास नितांत अभाव है, भाव का अभाव है। क्योंकि ठाकुर कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है।